हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सूरज, गुड़गांव ड्रीम व्लॉग। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन्वेंट्री, ये बेसिकली 263 स्क्वायर यार्ड प्लॉट साइज है और ये एग्जैक्टली आपको 1600 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया इसका है। इसमें सारे ही आपको यूपीवीसी के सारे डोर्स, दो इसमें आपको मतलब एक आपको लिविंग एरिया में और एक फर्स्ट बेडरूम में आपको एसी भी मिलेगा। इसमें इस प्राइस रेंज में कोई भी बिल्डर आपको एसी नहीं देता है। ये दो बेडरूम एसी भी दे रहे हैं और न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है ये। अभी मैं जो खड़ा हूँ सेक्टर 23 में खड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ देख सकते हो प्रॉपर आपको मेन रोड जा रही है। ये जस्ट यहाँ से मेन रोड है और ये जो है फ्रेंड्स आपको 12 मीटर की रोड है। रोड भी आप देख सकते हो प्रॉपर, सारे बिल्डर्स रोड सब बनी हुई है यहाँ पे। लोकेशन वाइज ये भी देखने में काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस तरफ प्रॉपर बनी हुई है। यहाँ पे ये मतलब कोठी बनी हुई है इसका, ये जो सामने में ग्रीन बेल्ट है प्रॉपर, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। और ये भी देखने में काफ़ी बेहतरीन सा बना हुआ है जो कि आप देख पा रहे हो। ये एक बार मैं आपको हल्का सा वॉक अराउंड करवाता हूँ इस स्पेस का। ये बेसिकली इस तरफ भी फ्रेंड्स देख सकते हो आप, यहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट का प्रोविजन दिया हुआ है। तो लोकेशन वाइज देखने में काफी बेहतरीन है, पेड़ काफी लगी हुई है जो कि आप देख पा रहे होगे। और ये 12 मीटर की रोड है जो मैंने बताया था आपको। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इसकी मेन गेट की, तो इसमें आपको प्रॉपर स्टील की मेन गेट दी गई है। प्रॉपर यहाँ पे रैम पे पत्थर लगा हुआ है, सारे में पत्थर का काम किया गया है, काम काफी बेहतरीन किया गया है। इसमें दो गाड़ी की पार्किंग मिलेगी इसमें आपको, जो कि आप देख पा रहे होगे। अगर बात करूँ इसकी फ्रंट एलिवेशन की, तो देखने में ये भी काफी बेहतरीन सा लग रहा है जो कि आप देख पा रहे होगे प्रॉपर। इसमें ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड एंड थर्ड फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा आपको। इसमें जो अभी है 3 फ्लोर सेल हो चुके हैं जो कि इसका फर्स्ट है, सेकेंड एंड थर्ड। और इसका टॉप फ्लोर जो है वो अभी बचा हुआ है, विथ रूफ राइट मिल जाएगा। ये प्राइस काफ़ी रिजनेबल है, ये मैं प्राइस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट कर लेना। और यहाँ भी आप देख सकते हो प्रॉपर, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है। यहाँ भी प्रॉपर सारे में पत्थर का काम करा है इन्होंने। यहाँ पे दो बड़ी सी आपको स्टील की गेट मिली हुई है और ये इसका रैम्प एरिया आ गया प्रॉपर। मूविंग ऑन टू द स्टील पार्किंग फ्रेंड्स, ये इसका हो गया स्टील पार्किंग। देख सकते हो दो बड़े साइज की गेट मिल रही है इसमें आपको, दो दो गाड़ी की पार्किंग रहेगी। 4000 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी मिलेगा इस पे आपको। ग्राउंड फ्लोर पे सप्लाई वाटर आएगी इसमें प्रॉपर। और यहाँ पे इन्होंने फ्लोरिंग का भी काम किया हुआ है जो कि आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स उसकी, ये इसका पार्किंग हो गया। यहाँ पे आपकी चारों मोटर आ जाएगी, उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ, नेट लगी हुई है, सेट दिया गया है इसमें। और ये फ्रेंड्स इसमें फेस चेंजर यहाँ पे बनी हुई है, 3 फेस का इसमें आपको लाइन आएगी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्थ फ्लोर का यहाँ है, थर्ड का यहाँ है और फर्स्ट का ये है और सेकंड का ये है। अब बीच वाला जो फ्रेंड्स है ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर का है। ये यहाँ पे एक बड़ी साइज की मोटर दी गई है इसमें। और ये हो गया इसका पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा काम करा है इन्होंने प्रॉपर। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स की फ्लोरिंग की, तो इसमें प्रॉपर काम किया गया है फ्लोरिंग का। और ये इसका पार्किंग एरिया हो गया फ्रेंड्स। और ये हो गया इसका मूविंग ऑन टू द लिफ्ट स्टेयर केस एंड लिफ्ट एरिया। इसमें आपको जर्मन फिटिंग की लिफ्ट आएगी। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, सेम इसमें भी काम किया गया है ग्रेनाइट का, ग्रीन कलर की इसमें मार्बल का काम किया गया है स्टेयर केस में जो कि आप देख पा रहे होगे। और इसमें भी आपको स्टील की रेलिंग मिल रही है जो कि ये भी आप देख सकते हो। और ये वाला हो गया फ्रेंड्स इसका लिफ्ट एरिया। एक बड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें भी प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का जो कि आप देख पा रहे होगे। और ये हो गया इसका लिफ्ट एरिया। और फ्रेंड्स यहाँ भी आपको इस तरफ भी छोटी सी विंडो का प्रोविजन दिया गया है प्रॉपर एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे भी प्रॉपर आपको स्टील की रेलिंग मिल रही है इसमें। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया और फ्रेंड्स मूविंग ऑन टू टेरेस एरिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लिफ्ट है जो कि फोर्थ फ्लोर तक आ रही है और ये टॉप तक नहीं आएगी। और ये मूविंग ऑन टू द स्टेयर केस, आप इसमें अगर बात करें उसकी सीढ़ी की फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर काम किया गया है, ग्रीन कलर की मार्बल का काम किया गया है। इसमें आपको स्टील की रेलिंग मिल रही है प्रॉपर जो कि आप देख पा रहे हो ये। और मूविंग ऑन टू द टेरेस एरिया, और इसमें लिफ्ट जो है फ्रेंड्स छत तक नहीं आ रही है। यहाँ पे भी इन्होंने प्रॉपर विंडो के लिए प्रोविजन दिया हुआ है एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए। यहाँ भी प्रॉपर आपको, यहाँ आप देख पा रहे हो कि प्रॉपर इसमें ग्रीन कलर की काम किया गया मार्बल का जो कि देखने में काफी बेहतरीन सा लग रहा है। और इसमें फ्रेंड्स आपको लिफ्ट जो टॉप तक नहीं आएगी जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इसका ऊपर का पोर्शन हो गया,
इसमें जर्मन फिटिंग की लिफ्ट आएगी और ये इसका दो इसमें विंडो का प्रोविजन मिल रहा है एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए और ये इसका स्टेयरकेस हो गया। यहाँ पे आयरन की आपको गेट मिल रही है प्रॉपर जो कि मैं आपको मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया। अगर बात करूँ फ्रेंड्स इसकी फ्लोरिंग की तो सारे में इसमें आपको वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया हुआ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आप देख पा रहे हो ये और इसमें जो है सॉफ्ट एरिया फ्रेंड्स प्रॉपर ये आपको लगी हुई है नेट का काम प्रॉपर कवर किया गया है और सारे इसमें फ्लोर में टाइल्स का काम किया गया है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और इस तरह भी फ्रेंड्स आपको प्रॉपर आयरन की रेलिंग मिल रही है और सारे ही इसमें टाइल्स का काम किया गया है फ्लोर में जो कि आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं टेरेस पे हूँ, यहाँ पे भी जो जितनी भी थी यहाँ पे इन्होंने मार्बल टॉप के साथ प्रॉपर इसको कवर कर दिया है। अगर बात करूँ फ्रेंड्स इसकी सिंटेक्स की तो 1000 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी मिलेगा पर यूनिट आपको इसमें। और इस तरह फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है 12 मीटर की रोड जा रही है, सामने में काफी सुंदर सा कोठी बनी हुई है, लोकेशन वाइज देखने में काफी बेहतरीन है। यहाँ भी आपको बड़े साइज का ग्रीन बेल्ट मिल रहा है जो कि आप देख पा रहे हो, ये सामने मेन रोड है। अभी मैं सेक्टर 23 में खड़ा हूँ और लोकेशन वाइज ये भी देखने में काफी बेहतरीन है फ्रेंड्स ये। और ये इसका छत का व्यू हो गया फ्रेंड्स यहाँ से जो कि आप देख पा रहे हो। ये मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग। फ्रेंड्स आज जो मैं आपके लिए लाया हूं इन्वेंट्री, ये बेसिकली काफी बेहतरीन सा इन्वेंट्री है और इसमें क्या है अभी टॉप फ्लोर बचा हुआ है और रेस्ट जो इसमें मतलब आपको जो है फ्लोर सारे वो आपको सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इसकी फ्लोरिंग की तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने बताया था आपको ये ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है और जो फ्लैट में आप एंटर करते हो ये बेसिकली आपको ये साउथ वेस्ट आपको तो फेसिंग है और इसमें आपको जर्मन इसकी फिटिंग की आपको लिफ्ट मिल रही है। इसमें सामने में इसकी लिफ्ट है प्रॉपर, इसमें काम किया गया पत्थर का और ये इसका एंट्रेंस डोर हो गया फ्रेंड्स, इसमें काफी अच्छा इन्होंने काम करा है। और फ्रेंड्स इस मैंने बताया आपको अभी कि ये जो है ये आपको साउथ वेस्ट फेसिंग है जो फ्लैट में एंटर करते हो और ये जो प्रॉपर्टी फेसिंग है ये ईस्ट फेसिंग है फ्रेंड्स। और ये इसका मेन डोर हो गया मतलब इस फ्लैट का और इसमें अभी मैं आपको लेआउट समझाता हूँ कैसा क्या है। ये इसका हो गया लिविंग एरिया जो कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको प्रॉपर जो है दो एसी मिलेगी आपको इसमें, एक इस लिविंग एरिया मिलेगी डे टन की आपको मतलब हिटाची की एसी मिलेगी इसमें जो कि आप देख पा रहे होंगे, सेम यही एसी मिलेगा आपको इसमें और एक एसी मिलेगा आपको इस फर्स्ट बेडरूम में फ्रेंड्स और दो एसी आप अपना खुद लगाओगे। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि ये इसका हो गया लिविंग एरिया और लॉबी एरिया कुछ बोल दो आप, ये इसका हो गया फर्स्ट बेडरूम फ्रेंड्स और इसमें अटैच वॉशरूम भी है, ये इसका सेकंड बेडरूम हो गया और ये इसका थर्ड बेडरूम हो गया फ्रेंड्स और ये किचन एरिया है। और यहाँ पे इन्होंने इसमें आपको हर एक रूम्स में मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कुछ कुछ इसमें क्या क्या मिल रही है आपको, आप जानना भी चाहोगे कि मतलब क्या क्या देगा बिल्डर इसमें फ्रेंड्स। इसमें आपको यहाँ पे बड़ी साइज की टीवी पैनल मिलेगी और इसमें आपको पूजा घर भी बना के वो देंगे, हर एक रूम्स में आपको टीवी पैनल मिलेगी, इसमें दो एसी भी मिलेगी। और यहाँ पे इस तरफ जो है फ्रेंड्स ये किचन एरिया हो गया इसका और इसमें आपको प्रॉपर ये मॉडलर किचन मिल रही है और इसमें स्टील की सिंक जैगवार फिटिंग के साथ इसमें मिल रहा है आपको प्रॉपर। और ये इसका हो गया फर्स्ट बेडरूम और इसका सेकेंड बेडरूम, इसका थर्ड बेडरूम हो गया फ्रेंड्स, ये इसका लेआउट हो गया फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं इसकी फ्लोरिंग की तो इसमें प्रॉपर सारे में ही वेट्रीफाइड सेरेमिक वेट्रीफाइड ऑफ वाइट कलर की टाइल्स का काम किया गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपको यूपीवीसी की स्लाइडेड डोर्स मिल रही है प्रॉपर और इसका जो कंप्लीशन है फ्रेंड्स आपको ये 1 महीने के बाद मिल जाएगा, सारा काम इसमें मतलब मोस्टली हो चुका हुआ है। और फैन देख लो, फैन की क्वालिटी सारे एंटी डस्ट फैन है, ऑडियंट की तरफ से एक एक फैन का कॉस्ट 8000 के आसपास आता है, ये 6000 मतलब आपको 6000 के आसपास आता है एक फैन का कॉस्ट। यहाँ इस रूम में भी आपको एसी के लिए इस रूम में भी एसी मिल जाएगी आपको हिटाची की, दो एसी मिल रही है इसमें आपको प्रॉपर। इसमें यहाँ पे इस तरफ भी फ्रेंड्स आप देख सकते हो
कि वार्डरोब भी इसमें मिल रही है प्रॉपर आपको, जो कि ये काफी बड़े साइज की है, ऊपर तक प्रॉपर ये इंटैक्ट है। एक बड़ी आपको दिखाना चाहूंगा क्या साइज इसका है, एक बड़ी आप देख लो जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इस तरफ भी सारे ही पार्टीशन इन्होंने किया हुआ है, प्रॉपर बनी हुई है सारे बॉक्सेस, ऊपर में भी प्रॉपर इन्होंने सारे पार्टीशन किए हुए हैं, स्टोरेज के लिए काफी अच्छा रहेगा। और एक इसमें आपको हर एक रूम्स में वार्डरोब का भी प्रोविजन मिल रहा है, और सारे ही फ्रेंड्स ये सॉफ्ट क्लोज हैं। मूविंग ऑन टू द वॉशरूम एरिया, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इसकी वॉशरूम की, जिसमें ऑफ वाइट कलर की बैटरी फाइड टाइल से काम किया गया है प्रॉपर, और ये इसका हो गया वैनिटी मिल रही है, इसमें आपको फिटिंग्स लगी हुई है जो कि आप देख पा रहे हैं। ये इसका यहाँ पे जो है पार्टीशन भी आपकी हो जाएगी, ग्लास लग जाएगी, और इसमें भी आपको ऑरियंट के यॉस मिल रहे हैं, यहाँ फैन के लिए प्रोविजन दिया गया है। और इसका टाइल्स का डिज़ाइन हो गया जो कि आप देख पा रहे होंगे, डिज़ाइन भी देखने में काफ़ी बेहतरीन सा डिज़ाइन है। इस तरफ भी आपको प्रॉपर टाइल्स लगी हुई है, इस कलर के टाइल्स दे रहे हैं ये, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या है ये, मतलब कैसा क्या है इसमें लगा हुआ है। और ये था फ्रेंड्स इसका फर्स्ट वॉशरूम, इस रूम से अटैच्ड है ये। मूविंग ऑन टू दी फ्रंट बालकनी, जो कि इसको आप खोलते ही फ्रंट बालकनी में जाओगे, और एक बड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या है नहीं है ये, जिससे एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर बात करूं इसकी फ्लोरिंग की, इसमें भी सारे बैटरी फाइट टाइप से काम किया गया। ये इसका फ्रंट बालकनी हो गया, टफन ग्लास के साथ मिल रहा है, इसमें स्टील की रेलिंग मिल रही है इसमें आपको, और यहाँ पे यही एसी मिलेगी आपको हिटाची की, डेटन की एसी, यूपीवीसी के साइड डोर्स मिल रही है इसमें आपको प्रॉपर। ये इसका रैंप एरिया हो गया, यहाँ पे गाड़ी की आप पार्किंग कर सकते हो, अंदर में भी आपको दो दो गाड़ी की पार्किंग मिलेगी। इसका रैंप एरिया है प्रॉपर सिल की, आप मेन गेट मिल रही है इसमें, और सामने में ये इसका 12 मीटर की रोड हो गया। लोकेशन वाइज देखने में ये भी काफी बेहतरीन सा है, प्रॉपर ग्रीनरी एकदम भरा पड़ा है, पेड़ काफी लगी हुई यहाँ पे जो कि आप देख पा रहे होंगे। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेडरूम, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इसका बेसिकली सेकेंड बेडरूम है। अगर फ्रेंड्स इसकी बात करूं इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें भी आपको सारे में सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है, जो कि देखने में काफी बेहतरीन सा लग रहा है। ऑफ वाइट कलर की इसमें टाइल्स लगी हुई है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इसकी इसकी सीलिंग की, इसमें आपको प्लेन सीलिंग का काम किया गया है, बट इसमें आपको फैन मिल रही है। इसमें एसी के लिए प्रोविजन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें आप विंडो एसी लगा सकते हो उसके लिए दिया। अगर विंडो नहीं लगाना हो तो ऐसे भी आपको इसमें प्रोविजन नहीं मिल रहा है, बताना चाहूंगा मैं आपको। और इस तरफ जो फ्रेंड्स है, यहाँ पे आपको ये है मतलब हाई क्वालिटी का फैन, एंटी डस्ट फैन मिल रही है, वार्डरोब मिल रहा है बच्चे के लिए, यहाँ पे इन्होंने कुछ टेबल बनाया हुआ, ये ऑप्शनल है, आपको करवाना है तो आप ये करवा सकते हो, ये बिल्डर नहीं दे रहा है, जो कि बताना चाहूंगा करवाना है तो आप करवा सकते हो ये। मूविंग ऑन टू द अटैच वॉशरूम, अगर बात करूं फ्रेंड्स की फ्लोरिंग की, तो इसमें भी आपको सारे वेट्रीफाइड टाइल्स से काम किया गया है, वेरा मोरा के सारे फिटिंग्स लगे हुए हैं। और ये इसका हो गया, इसमें भी आपको विंडो के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, और ये इसका हो गया वैनिटी मिल रही है बाथरूम के साथ, वेरा मोरा के सारे फिटिंग्स है इसमें। और ये इसका वॉशरूम हो गया फ्रेंड्स, ऊपर तक प्रॉपर इंटैक्ट है, बनी हुई है काफी अच्छी सी। मूविंग ऑन टू दी बैक साइड बालकनी, जो कि सेकंड बेडरूम से कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या इसका साइज है नॉर्थ, जिससे आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। अगर बात करूं फ्रेंड्स इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का, जो कि आप देख पा रहे होंगे सारे बैटरी फाइड टाइल्स लगी हुई है इसमें। और अगर बात करूं फ्रेंड्स की रेलिंग की, तो इसमें लोहे की रेलिंग का काम किया गया है। ये इसका पीछे का स्पेस छोड़ा हुआ है प्रॉपर, यहाँ पे इन्होंने कुछ ग्रीन बेल्ट बनाया है प्रॉपर, पेरूट लगाया है यहाँ पे। और ये इसका बैक साइड व्यू हो गया, जो कि आप देख पा रहे हो ये। और इसमें भी आपको प्रॉपर विंडो का प्रोविजन मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हो ये। और इस तरफ भी फ्रेंड्स, यहाँ से भी इन्होंने ये किचन से भी कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, जो कि मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ये बालकनी, रनिंग बालकनी है ये। और मूविंग ऑन टू द थर्ड बेडरूम, जो कि इस रूम मतलब लॉबी से कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स। और ये इसका जस्ट लेफ्ट में ही ये थर्ड बेडरूम हो गया,
अगर बात करो फ्रेंड्स इसकी फ्लोरिंग की तो सेम इसमें भी सारे में ऑफ वाइट कलर की सारे वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें भी आपको वार्डरोब मिल रहा है प्रॉपर, सेम इसमें ओरिएंट के आपको एंटी डस्ट फैन का प्रोविजन मिल रहा है प्रॉपर, जो कि आप देख सकते हो। और इसमें भी आपको वॉशरूम अटैच वॉशरूम है ये, एक बड़ी आप देख सकते हो कि प्रॉपर इसमें सारे ही फिटिंग्स वगैरह वगैरह के इसमें लगे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो टाइल से काम किया गया है। इसमें आपको एग्जॉस्ट फैन भी लगी हुई है प्रॉपर, और सारे ही इसमें फ्लोर में बैटरीफाइड टाइल से काम किया गया है। और इसमें भी आपको प्रॉपर विंडो के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, डोर लगी हुई है इसमें, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक बड़ी आपको मैं दिखाता हूँ, पीछे से भी देख लो आप कैसे क्या है। तो बैक से बैल्कनी हो गया इसमें प्रॉपर, इसमें सारे वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है फ्लोर में, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और इसमें आपको आयरन मतलब आयरन की रेलिंग भी मिल रही है फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये भी। और लोकेशन भी आप देख लो प्रॉपर, लोकेशन भी काफी बेहतरीन से लोकेशन के साथ मिल रहा है आपको ये। मूविंग ऑन टू द किचन एरिया, और ये से अटैच वार्डरोब फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको, एक बार मैं साइज आपको दिखा देता हूँ क्या साइज का ये। तो काफी ह्यूज साइज का ये वार्डरोब मिल रहा है आपको साइड बाय साइड की, इसमें तीन डोर्स लगे हुई है इस साइज का आपको मिल रहा है इसमें, ऊपर में मतलब ऊपर तक प्रॉपर सारे इंटैक्ट है, और सारे हिंजेस इसमें लगे हुए हैं, सारे सॉफ्ट क्लोज है फ्रेंड्स, सॉफ्ट क्लोज के सारे इसमें हिंजेस लगे हुए हैं फ्रेंड्स, जो कि आप देख पा रहे हो भाई। मूविंग ऑन टू द किचन एरिया, और जस्ट इसके लॉबी से कनेक्ट हो रहा है ये किचन। अगर बात करो फ्रेंड्स इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें भी आपको सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है, जो कि आप देख पा रहे हो कि इस तरफ वॉल में प्रॉपर इन्होंने सारे ही टाइल्स का काम किया हुआ है प्रॉपर, ये मॉडल किचन के साथ ही मिल रहा है आपको। इस तरफ सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, नीचे भी सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, और इसमें आपको स्टील की सिंक भी मिल रही है वेट एरिया, और यहाँ पे भी आपको सारे ही फिटिंग्स लगे हुए हैं इसमें, जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको एलिका की चिमनी भी मिल रही है इसमें आपको, इस तरह प्रॉपर टाइप से काम किया गया है। अगर बात करूं फ्रेंड्स इसकी प्लेटफॉर्म की, तो इसमें प्रॉपर जो है मार्बल लगी हुई है ब्लैक कलर की, जो कि आप देख पा रहे होंगे। नीचे भी सारे बॉक्सेस बनी हुई है, और इसमें सारे ही आपको बास्केट सब इसमें लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हो। ये भी यहाँ पे सारे स्टोरेज के लिए उन्होंने बनाया हुआ है सारे, एक बड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये भी काफी सारे स्टोरेज के लिए बनाया है इन्होंने, और सारे ये सॉफ्ट क्लोज है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे भी इन्होंने कुछ स्टोरेज के लिए बनाया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हो। और सारे ये भी सॉफ्ट क्लोज है फ्रेंड्स, ऊपर में सारे बॉक्स बने हुए हैं, जो कि आप देख पा रहे हो ये भी। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इसकी वॉल की, तो इसमें प्रॉपर टाइल्स का काम किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो, देख पा रहे होगे। ये प्लेटफॉर्म में ब्लैक कलर की मार्बल का काम किया गया है, जो कि देखने में काफी बेहतरीन सा लग रहा है फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू द बैक साइड बालकनी, जो कि इस किचन से मतलब कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स ये, और यहाँ पे इन्होंने ये आपके रनिंग बालकनी है, सारे वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है इसमें। इसमें आपको गीजर भी मिल रही है क्रॉम्पटन की, जो कि आप देख पा रहे होगे ये, और इसका बालकनी हो गई ये सेकेंड एंड थर्ड बेडरूम से कनेक्ट हो रहा है ये, और किचन से भी कनेक्ट हो रहा है ये बैक साइड बालकनी। यहाँ पे इन्होंने कुछ आपको टैप का प्रोविजन भी दिया हुआ है, यहाँ पे पावर सॉकेट भी दी हुई है, और इसमें भी आपको फैन का प्रोविजन मिल रहा है, बजाज की फैन मिल रही, जो कि आप देख पा रहे हो। ये मूविंग ऑन टू लॉबी एरिया, अगर बात करो फ्रेंड्स इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें सारे में ही सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है, जो कि आप देख पा रहे हो। और ये इसका लॉबी एरिया हो गया फ्रेंड्स, काफी बेहतरीन सा बना हुआ है ये, और साइज आप देख पा रहे होगे काफी ह्यूज साइज का है ये। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स ये इसका लॉबी हो गया प्रॉपर, और सेम इसमें फ्लोरिंग है फ्रेंड्स, सारे ही इसमें वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है। आपको हर एक रूम्स में इसमें टीवी पैनल मिलेगी, यहाँ लॉबी में सिर्फ टीवी पैनल मिल जाएगा, यहाँ पूजा रूम या कुछ सोपीस यहाँ बन जाएगा, और रूम्स में आपको दो रूम्स में भी टीवी पैनल का प्रोविजन मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें आपको यूपीवीसी के साइड है डोर्स मिल रही है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरह भी कुछ स्पेस के लिए प्रोविजन दिया गया है यहाँ पे, फिर कुछ आप कर सकते हो, कुछ छोटा मोटा ऑफिस बना लो यहाँ पे, आप दो एक टेबल लगा के यहाँ चेयर डाल दो, ये स्पेसिंग है प्रॉपर। यहाँ पे यूपीवीसी के लिए
जो है विंडो का प्रोविजन दिया गया है जो कि आप देख पा रहे हो ये। और फ्रेंड्स एक बड़ी मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि इस तरफ से स्लाइडर डोर से ये दोनों तरफ से खुल जाती है ये प्रॉपर जो कि आप देख पा रहे हो ये। और काफी ये साउंड प्रूफ ग्लास होती है ये, इससे आपको अंदर में कुछ भी आपके रूम्स में आपके फ्लैट में कुछ भी साउंड नहीं आएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स की फ्लोरिंग की तो सेम इसमें सारे बैटरी फाइट टाइप का काम किया गया है। रेलिंग आप देख सकते हो टफन ग्लास लगी हुई है इसमें, स्टील की रेलिंग का काम किया गया है। ऊपर में अगर बात करूँ फ्रेंड्स इसमें मार्बल टॉप का भी प्रोविजन दिया हुआ है, प्रॉपर पत्थर लगी हुई है इसमें भी, यहाँ पर टैप के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, चैम्बर यहाँ प्रॉपर बनी हुई है। और यहाँ से आप देख सकते हो ये इसका फ्रंट बालकनी हो गया और इसमें आपको प्रॉपर दो एसी भी मिलेगी, एक आपको इस यहाँ पे जो लगी हुई है एक इस रूम में एक आपको लिविंग एरिया मिलेगी एसी। और ये इसका फ्रंट व्यू हो गया फ्रेंड्स, व्यू भी काफ़ी अच्छा है जो कि आप देख पा रहे हो ये भी। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए और फ्रेंड्स प्राइस एंड ऑल सारा कुछ डाल दूंगा वहाँ चेकआउट कर लेना। अच्छा लगा वीडियो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, ऐसा वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।